वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हमने एक कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट की थी, जहाँ पर जैसे कि आपको पता है इसमें पूरे उत्तराखंड में होमगार्ड से रिलेटेड भर्तियाँ आई हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, तो सभी का आंसर देना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए हमने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था आज से लगभग 1 वीक पहले, कि अगर आपका जब ये फॉर्म आया था कि उत्तराखंड होमगार्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर कमेंट्स आए हैं सभी को हम एक एक करके जो है पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जितने भी यूनिक क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप सो आपके सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इनका है, ये विनोद जी का है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं लाइक नैनीताल, देहरादून एंड हरिद्वार। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन देखना, 10 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी निवासी अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो मुख्यालय है होमगार्ड के, वहाँ पर मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, हालांकि कुछ ने कॉल रिसीव नहीं किया और कुछ में नहीं लगा। जहाँ लगा, जिनमें से लगा 2 से लेकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इवन होमगार्ड का जो ऑफिशियल आई थिंक व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैंने पूछा, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना किया है। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, यानी कि जहां फॉर्म नहीं आया है आपका नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार, वो जो है इसमें अप्लाई जो है नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि भाई जी फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फॉर्म को पोस्ट ऑफिस से ही भर सकते हैं या वहीं आपसे ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इनका, उसका आंसर देना चाहूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए लगभग आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। उसके लिए हम सीधे जो PDF रिलीज हुई है, जो यहाँ पर PDF जारी की थी, उस पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्म आएगा, फॉर्म में आपने देखा होगा कि ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है। इसमें फॉर्म में आपने देखा होगा कि सबसे नीचे जो सेक्शन है वहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने चाहिए। आवेदन साफ साफ लिखा है कि आवेदन पत्र पर आवेदक के हाल की फोटो, जहाँ पर जो ऊपर है फॉर्म के स्टार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता आप अगर आप स्नातक तक हैं तो स्नातक तक ही लगाएं क्योंकि सभी के मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट अलग अलग तरीके से आ रहे थे। अगर आपके पास हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का लगा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हाई स्कूल से ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी के अनुसार आए हैं तो आप उससे लगा सकते हैं। उसके अलावा स्थायी निवास, पर्वती, पूर्व सैनिक, EWS, जो भी है आपके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट हो लगे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र स्पेशली अगर आप हाई स्कूल से हैं या इंटर से, जो भी ग्रेजुएशन पास के लास्ट टर्म में मिलता है कॉलेज से, वो इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज तहसील से सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग के कार्यरत होने की दशा में आपको NOC देनी पड़ेगी, नहीं तो कैरेक्टर के लिए आप जो है तहसील से लगा सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट इस तरह के आ रहे थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ, जो उनका अगला क्वेश्चन था, आई थिंक इसका आंसर मिल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म पोस्ट ऑफिस से ही भर सकते हैं या वहीं जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो मुझे फीडबैक मिल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म डायरेक्ट भेजेंगे, मतलब जमा करते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है विभाग, मतलब होमगार्ड की जो मुख्यालय है उसकी तरफ से आया हुआ है कि अगर आप चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। एड्रेस जहाँ जहाँ है ना, मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर से मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में कर दूंगा कहां कहां जो है भेजना है, ठीक है। या बाय पोस्ट भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से, अदरवाइज आप जो है डायरेक्टली जमा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो सलाह दूंगा आपको, अगर आपका नज़दीक पड़ता है तो आप बाय हैंड जमा करें, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे तमाम कैंडिडेट्स के जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहे थे उसमें ये कहा गया है कि जब आप बाय हैंड फॉर्म जमा करते हैं तो वो फॉर्म को चेक करते हैं, यानी कि एक बार आप वो फॉर्म जमा करने गए हैं, डायरेक्ट बाय हैंड गए हैं, तो वहाँ पर वो फॉर्म आपका लेते हैं, फॉर्म को देखते
हैं कि आपने फॉर्म भरा है या सही से भरा है या नहीं भरा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड हैं, तो जो कमियां होती है वो वहाँ पर बता देते हैं आपको, तो आप वहाँ पर उन कमियों को दूर कर सकते हैं बाय हैंड जमा करने पर। लेकिन अगर बाय पोस्ट भेजेंगे तो हो सकता है इसमें वो कभी देखें, फिर आपको कॉल करें, तमाम इशू तरह के आ सकते हैं। तो मेरी यही राय रही कि अगर आपका पास में पड़ता है कोई भी होम गार्ड का मुख्यालय तो आप डायरेक्टली जाएँ, यहाँ तक कि 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक भी पड़ता है तो भी आप स्वयं जाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बींग पहाड़ी जी का कि एक ही सवाल बॉयज़ की कब आएगी होम गार्ड, इसको लेकर हालांकि मैंने कई वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो है बॉयज़ की लगभग नवंबर या दिसंबर के आसपास होनी है, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग है आपकी दिसंबर तक इनको फाइनल कर देनी है जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, तो वही आप मान के चलो नवंबर दिसंबर के आसपास जो इसमें भर्तियाँ आएंगी और लगभग ये 400 के आसपास आने वाली हैं ये भर्तियाँ। ठीक है, एक वीडियो बना दो पूरा फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा विनोद जी, पूरा हमने वीडियो बना के रखा है, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी हम उस यूएस में मेल वाले सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या, खेल का मतलब क्रॉस कंट्री? हाँ, आप में स्पोर्ट्स में आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी तमाम उसमें आप देखेंगे, स्पोर्ट्स वाले में जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, अभी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है उसमें आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है खेल कूद में आप देख सकते हैं जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी, मंडल स्तर के खिलाड़ी, राज्य स्तर के खिलाड़ी, तो तमाम आप जहाँ जिस जिस स्तर के हैं वहाँ वहाँ जो है आप अपना जो है इसमें डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे खासे आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम होना चाहिए था, हालांकि ये इनका नाम है जागरूक वीडियो जी, एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए था, जैसे शुरुआत में जो शासन के द्वारा आदेश हुआ था उसमें यही कहा गया था कि पहले इसमें एग्ज़ाम होता था, आपको याद हो ऐसे 50 नंबर का होता था, फिर 50 या 100 नंबर का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, फिर बाद में इन्होंने MCQ बेस किया। ठीक है, जो कि जिसका सिलेबस वही था जैसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रक्षक सचिवालय रक्षक की जो भर्ती आती है बिल्कुल वैसे इसका सिलेबस था। ठीक है, बाद में पता नहीं इन्होंने क्या सोचा, इसको हटा के सीधे उन्होंने मेरिट बेस पे कही, और जो मेरिट बेस का जो आपने देखा होगा 60 नंबर का पूरा शेड्यूल बनाया गया है, उसमें आप देखेंगे ना जिस जिसके पास ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंट होगा उसका सिलेक्शन ही होना है, क्योंकि काफ़ी है। तो आई थिंक मैं इस पॉइंट से मैं भी एग्री हूँ कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस से कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं और डिग्री के साथ सेमेस्टर की कॉपी भी जानी है क्या लास्ट सेमेस्टर की? तो यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट 23 है, अगर आपके पास में है तो आप बाय हैंड उसको जमा करा सकते हैं। मैं बाकी आपने कहा डिग्री के साथ कौन कौन से कुछ नहीं भेजना है आपको, जो फाइनल सेमेस्टर है, सेमेस्टर अलग अलग सेमेस्टर की कॉपी नहीं भेजनी है, जो फाइनल सेमेस्टर है जिसमें सेमेस्टर वाइज या तो आपका ईयरली होगा या फिर सेमेस्टर वाइज, तो फाइनल जो सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, या तो फिर डिग्री जिसमें सारे आपके मार्क्स के का जो डिटेल है वो आप जो है ज़रूर भेजा, अगर इनमें से नहीं है तो फिर आपको तो अलग सेमेस्टर वाइज भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके फाइनल में भी अगर क्योंकि काफ़ी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रहते हैं तो जो थर्ड ईयर रहता है उसमें तमाम फर्स्ट ईयर में आपने क्या मार्क्स पाए, सेकेंड ईयर में क्या पाए, थर्ड ईयर में क्या पाए, सबकी डिटेल्स रहती है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर भेज सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल है वो आप इसमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेनेटरी डिप्लोमा का, अच्छा इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फॉर्म स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, यूके बॉयज कब आएगी मैंने बता दिया। नैनीताल जिले की महिलाएं भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहती हैं पर उन्हें भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्या हम और जिलों से भर सकते हैं? नहीं भर सकते जी, इसका आंसर मैंने जो है बिल्कुल स्टार्ट में दिया है रेखा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म को पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई जी, पोस्ट ऑफिस से ही भेजना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से ही भेजना अगर आपसे पोस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है क्या फॉर्म पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी जाना जमा करा सकते हैं? नहीं नहीं, जमा क्या करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं होता, पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं आप जमा, तो अगर आप चाहें तो वहीं आप जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक सेमवाल जी पूछ रहे हैं कि भाई एक बात पूछनी थी कि कोई कैंडिडेट देहरादून का है तो वो उत्तरकाशी से फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता जी, इसको लेकर मैंने डिटेल में स्टार्ट में आपको चीज़ें बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आयु
प्रमाण पत्र प्रधान के हाथ का चल जाएगा क्या? अच्छा भाई, जब आपके पास आजकल तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिलते हैं, मतलब जब आप पैदा होते हैं उस समय बन जाता है, नगर निगम के द्वारा बनवा सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा लो, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा लो, सबसे बड़ी बर्थ सर्टिफिकेट वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल की कब भर्ती आएगी, इसको लेकर बना दिया मैंने। पिथौरागढ़ के लिए कितनी वैकेंसी है? टोटल 320 हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कि शेड्यूल जारी हुआ, तो आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर जो पोस्टेज हैं 330 पोस्टेज हैं, जिसमें से 320 यहाँ पर आप देख सकते हैं होमगार्ड की है, 10 जो है प्लाटून कमांडेंट कमांडर के, प्लाटून कमांडर की, इसके बाद जो है भर्ती आएंगे। तो आप इसे पिथौरागढ़ की पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके वो बताना चाहूँगा। पिथौरागढ़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा है, तो ये पिथौरागढ़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 टोटल पोस्ट हैं, 32 यहाँ पर जो है होमगार्ड की पोस्ट हैं, ठीक है। तो 32-32 लगभग सभी में, ज़्यादा नहीं है, हर जगह इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट है देहरादून, पीआरडी का सर्टिफिकेट चलेगा क्या? पीआरडी का सर्टिफिकेट लगा भी सकते हैं, लेकिन हालांकि उसमें ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयज यूएस नगर की कब आएगी, इसको लेकर मैंने आप ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़कों का भी सेम प्रोसेस रहेगा या ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल, ये भर्ती का सेम ही रहेगा। आपने देखा होगा जो शासन से आदेश जारी हुआ है वो सभी के लिए लागू है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। इवन जो फॉर्म है आपने देखा होगा, फॉर्म भी एक ही रहने वाला है। फॉर्म में भी आपने देखा होगा जो ये फॉर्म निकला हुआ है, जो ये नोटिफिकेशन का फॉर्म है, आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवक पुरुष एवं महिला, तो सेम फॉर्मेट रहने वाला है मेल कैंडिडेट्स का भी और फीमेल्स कैंडिडेट्स, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हरिद्वार वालों के लिए नहीं है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जहाँ भेजना हो फॉर्म को, हाँ जी बिल्कुल भेज सकते हैं, जहाँ एड्रेस हो बिल्कुल आएगी। फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करना है? जी हाँ, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ के जो मुख्यालय है वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस जो मैंने इसमें जो है कवर करने की कोशिश की थी, उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती से संबंधित आपके डाउट्स। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय जय भारत, जय उत्तराखंड।